प्रधानमंत्री जी ने ये जो घोषणा की है इसका मतलब ये है कि भारत का एक साल चल रहा ये किसान आंदोलन, इसकी ये बहुत बड़ी भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, 500 किसान संगठनों ने एक साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन हम उसके साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि एक साल इसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। इसको टाल दिया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले ही ये निर्णय लेते, नंबर एक। नंबर दो, MSP का जो गारंटी वाला कानून का, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की दूसरी बहुत ही बुनियादी मांग है, उसके ऊपर अभी भी मुझे जो लगता है प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं है, कॉन्क्रीट कुछ बोला नहीं है। तो ये मांग हमारा बहुत ही बुनियादी है और ये भी मांग के ऊपर कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री और सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, ये एक बात है। तीसरी बात, बिजली बिल जो निजीकरण करने के पीछे लगा है, ये बिजली बिल को भी वापस लेना चाहिए, उसका भी निजीकरण करने का जो सवाल है उसको भी ये करना चाहिए।